फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल किचन में आपका स्वागत करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल हलवाइयों जैसी रसमलाई। मैं कह रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आपने एक बार इसे ट्राई किया ना, तो आप खरीदना ही भूल जाएंगे और इसे हमेशा घर पर ही बनाएंगे। और इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं लगता, घर में जो हमारे डेली यूज में सामान होते हैं बस वही इंग्रेडिएंट्स हम यूज करेंगे और बाहर से कुछ एक्स्ट्रा खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इंग्रेडिएंट्स। इसमें हम लेंगे मिल्क, 1 लीटर मिल्क। ये है अमूल का मिल्क, जो 33.5 मिलियन मिल्क। इसे टोन मिल्क, एक्चुअली इसे हम बनाने के लिए फुल फैट ऑफ क्रीम की जरूरत नहीं है। अगर हम उस दूध का यूज करेंगे तो हमारा जो छेना बनेगा वो सॉफ्ट नहीं होगा, तो हमें अपने छेने को ज्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए यूज करना होगा टोन्ड मिल्क। तो यहाँ मैंने लिया है 1 लीटर टोन्ड मिल्क और 2 टेबलस्पून सिरका। आप सिरके की जगह पे एक नींबू भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ मैं जो ये कलर है, कलर की जगह पे मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ हल्दी। हल्दी से ये नेचुरल कलर भी आएगा और ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और चाशनी बनाने के लिए यहाँ मैं यूज करूंगी 1 कप शक्कर, और ये बाइंडिंग के लिए मुझे थोड़ा सा लगेगा 1 टेबलस्पून ऑफ, हम यूज करेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर। और ये है 1/2 लीटर दूध फुल फैट क्रीम। इसे हम रस मलाई की जो हम जूस बनाएंगे, रस बनाएंगे, उसके लिए हम ये यूज करेंगे रबड़ी के लिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। यहाँ मैंने ये 1 लीटर दूध को टोप में ले लिया है और मैंने गैस के फ्लेम को तेज किया है और इस दूध को हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम छेना बनाने के लिए दूध लेंगे तो वो गर्म दूध नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट फ्रिज से यूज किया हुआ कच्चे मिल्क को ही, हमें दूध को ही गर्म करके आगे इसे छेने में तैयार करना है। अभी ये दूध को हमारे उबाल आ चुका है। जैसे ही इसे उबाल आए, एक ही पहले ही उबाल पे हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। एक्चुअली इसे हमें पनीर जैसे नहीं, छेना जैसे बनाना है, तो इसलिए हम ये गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है। अब इस दूध को मैंने गैस से नीचे उतार लिया है और इसे 1-2 मिनट तक मैं यूं ही चलाती रहूंगी। इसे मुझे थोड़ा सा हल्का सा और ठंडा करना है। ध्यान रखिए, हमें इस दूध में नींबू या विनेगर डालने से पहले ये दूध ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए मैं इसे 1-2 मिनट चला रहे हैं। और ये जो मैंने विनेगर लिया था, ये विनेगर में मैंने जितना, जैसे ये मेरा 1 टेबलस्पून विनेगर है, तो उसमें मैंने 1 टेबलस्पून पानी भी ऐड किया है। हमें सिर्फ नींबू के रस और विनेगर दोनों को एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके दूध में ऐड करना है। अब ये दूध को ठंडा हो गया है थोड़ा, ये 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं धीरे धीरे इसमें ये सिरका ऐड करूंगी, सिरके का पानी ऐड करूंगी। हमें एक साथ पूरा नहीं डालना है, इसे धीरे धीरे करके ऐड करना है। देखिए धीरे धीरे अभी ये हमारा दूध फट गया है। अब इसमें हमें ये बचे हुए सिरके को मैं साइड में रखूंगा। अब मुझे तुरंत ही इसे, ये मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है, इसमें मैं इसे तुरंत छान लूंगी।
और इसी के साथ मैं इसमें ये फ्रिज का गर्म पानी डाल दूंगी, सॉरी ठंडा पानी डाल दूंगी। इससे जो ये हमारा छेना है ये तुरंत ही थोड़ा ठंडा हो जाएगा और ये कड़क नहीं होगा। फ्रेंड्स, मैंने इस छेने को अच्छी तरह से अच्छे पानी से ठंडे पानी से धो लिया है। आप इसे नल के नीचे भी थोड़ा अच्छे से धो लीजिए ताकि इसमें जो विनेगर और नींबू का हमने इस्तेमाल किया है वो उसका खट्टापन धीरे धीरे निकल जाए। सर वो खट्टापन इसमें नहीं होना चाहिए। और ये जो पानी है हमारा दूध, फटे हुए दूध का जो पानी है ये बहुत ही प्रोटीन से भरा हुआ है, तो इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम आटा सानने में यूज़ कर लेंगे। जो हम कोई भाजी बना रहे हैं, ग्रेवी बना रहे हैं, हम इसे उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी। फ्रेंड्स, अभी हम बनाने जा रहे हैं रबड़ी हमारे रसमलाई के लिए। और मैंने छेने को रख दिया है उसका पानी निथरने के लिए। तो हम अब बनाने जा रहे हैं ये। तो ये अब 2 घंटे हो चुके हैं। ये छेना को अभी मैंने कपड़े से बाहर निकाल लिया है और आप देखेंगे ये एकदम परफेक्ट है। इसे मैं प्रेस करके भी आपको दिखा रही हूँ। देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो इसी के साथ मैं इसे साइड में रख रही हूँ और आप देख रहे हैं ये रबड़ी के लिए मैंने दूध को गैस पे रख दिया है। इसमें जैसे ही उबाल आ जाएगा उसके बाद हम इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अब ये हमारे दूध में उबाल आ रहा है तो हमें इस बात का भी ध्यान देना है कि ये दूध हमें ज्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। अगर ये ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो हमारी ये जो मिठाई है ये इसे सोख नहीं कर पाएगी। ये जो हम छेने की अपने बनाएंगे रसमलाई वो सोख ने इसको प्रॉपरली अच्छे से नहीं कर पाएगी। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर। तो फ्रेंड्स, शुगर आप अपने हिसाब से जितना आपको स्वीट पसंद है उसके हिसाब से लीजिए। जैसे हम लोग थोड़ा स्वीट, और इस बंगाली स्वीट जो होती है ना फ्रेंड्स उसकी स्वीट लाइट होती है, वो ना ही ज्यादा मीठी होती है और ना ही ज्यादा फीकी होती है। तो उसके हिसाब से इसमें जो आप शुगर ऐड करेंगे वो आप अपने स्वीटनेस के हिसाब से ऐड कीजिएगा। और उसमें मैं अभी ऐड कर रही हूँ ये कुछ ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स मुझे अच्छे लगते हैं। और इसी के साथ आप इलायची भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे आज इलायची ऐड नहीं कर रही। और कलर के जगह पे ये मैंने यूज किया है हल्दी। हल्दी से कलर इसका एकदम, जो बाहर जो हम लेते हैं ना दुकान से खरीदते हैं रसमलाई, उसके जैसे ही कलर आएगा इसका, परफेक्ट। और ये बहुत हेल्दी भी होगा, आप बच्चों को पिला भी सकते हैं। एक तरह से समझिए इम्यूनिटी बूस्टर, सही है ना। ये इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दिया। अब मैं इसे पका लेती हूँ। छेना को मैंने एक प्लेट में ले लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर जो हमने किया था। अब धीरे धीरे मैं इसे स्मैश करूंगी। और हाँ, इसे इस छेना को हमें स्मैश करने के लिए अपने पाम का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए इसे हमें इस तरह अपने इन हथेलियों से करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसे एक डव के रूप में तैयार कर लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे।
देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी रबड़ी तैयार हो गई। इसे हमें ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है। तभी ये मैं गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ। चलिए तो अभी हम बनाते हैं अपने छेने की रसमलाई। ये मैं गोले बना के ले लूंगी। इसमें मैंने 9 बड़े बड़े पीस बना लिए। अब इसे हमें इस तरह अपने हथेलियों के बीच लेके इस तरह प्रेस करना है। देखिए फ्रेंड्स, तो इसी तरह मैं सारे गोले बना लूंगी। ये कढ़ाई में ले रहे हैं 1 कप शक्कर। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिए कि जब हम 1 कप शक्कर लेंगे तो हमें फिर 6 कप पानी उसमें ऐड करना पड़ेगा। ये मेजरमेंट आप हमेशा याद रखिएगा कि जितना हमारा शक्कर होगा उसका 6 गुना पानी होगा। तो यहाँ मैं पानी ले रही हूँ, मैंने 1 कप डाला। और ये हो गए हमारी 6 कप पानी। तो अब हम इसे तेज फ्लेम पे बॉईल होने के लिए रख रहे हैं। पानी बॉईल हो गया है। तो अब हम इसमें धीरे धीरे अपने ये 1-1 पीस को ऐड करते जाएंगे। अभी इसे मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसे हमें सेपरेटली रखना है। तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आप सेपरेटली हो जाएगा। अब इसे हम ढक देंगे। और 5 मिनट बाद इसे ओपन करके देखें। फ्रेंड्स, 5 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं इसे एक बार जरा ओपन करके देख लेती हूँ। ओह वाह, तो देखा आपने, ये साइज में डबल हो चुका है। तो इसे हमें चलाना नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने चलाया तो इसका शेप बिगड़ जाएगा। तो इसी तरह हमें इसे 20 मिनट्स तक पकाने हैं। सिर्फ हमें इसे थोड़ा सा इस तरह से मूव करना है ताकि उसे स्पेस मिल सके, तो वो और साइज में उसका बड़ा हो जाएगा। इसे हमें हल्के हाथ से बस यूं हिलाना है एक बार। अब मैं ये फिर से ढक्कन लगा देती हूँ। अब 5 मिनट बाद इसे हम फिर से पलट देंगे। तो इसी तरह हमें 10 मिनट एक तरफ से और 10 मिनट एक दूसरी तरफ से पकाना है। फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं। मैं इसे फिर से एक बार देख लेती हूँ। तो देखा आपने, तो ये बहुत ही बढ़िया हो चुकी है। अब मैं इसे धीरे धीरे पलट दूंगी बहुत ही हल्के हाथों से।
ये एक एक करके मैंने सारे रसमलाई को पलट लिए। अब मैं इस पे तो ढक्कन लगा दूंगी। ये 20 मिनट्स होने आ रहे हैं, तो उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर मैंने एक ये बाउल लिया है, इसमें मैंने बर्फ लिया है। तो जो अभी हमने ये बनाई है रसमलाई, इसे हम डायरेक्ट इसमें ट्रांसफर करेंगे सो दैट उसका जो शेप है वो चेंज नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं कि क्या हाल है हमारी रसमलाई की। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, और आपने एक बात नोटिस किया होगा कि यहाँ मेरी चाशनी भी बहुत कम हो चुकी है। तो क्या है कि हम हलवाई तो हैं नहीं कि वो चाशनी हमें फिर से यूज हो, तो इसीलिए मैंने क्या किया कि बहुत ही कम मात्रा में ही चाशनी बनाई कि वो अपना ये एक बार में यूज हो जाए, नहीं तो फिर वो स्टोर करना फिर उसके लिए कोई दूसरी चीज बनाना वो पॉसिबल नहीं हो पाती। तो ठीक है, यहाँ पे ये मैं गैस का फ्लेम स्विच ऑफ कर रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्ट इसे ही इस तरह आइस बाउल में ट्रांसफर कर रही हूँ। और मैं इसमें ये ठंडा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि ये इसमें पूरी तरह रहे। अब हमें इसे इसी तरह इसमें आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। तो चलिए, अब मैंने इस बाउल को हाफ एन आवर के लिए यहाँ पे रख दिया है। आधा घंटा हो चुका है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। एक बात आप समझ लीजिए कि आप देखेंगे कि ये सारे जो पीसेस हैं वो पानी के अंदर बैठे हुए हैं। अगर आपकी रसमलाई पानी के अंदर इस तरह पूरी बैठी हुई है तो आप ये समझ जाइए कि वो बिल्कुल ही परफेक्ट बनी है, यानी वो ये पक के एकदम बढ़िया से तैयार हो चुकी है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए, ये देखिए, इसको मैंने इस तरह गाढ़ा, देखिए अभी ये थोड़ी देर में फिर से अपने शेप में आ जाएगी। देखिए, इसे मैंने इस तरह गाढ़ा, तो ये कितनी स्पॉन्जी हुई है। इसे मैंने पानी में डाल दिया, देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, और ये साइज में भी दुगनी हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे मैंने साइड में लिया, यहाँ मैंने एक बाउल लिया, अब मैं धीरे धीरे पानी से इसे खूब अच्छे से निचोड़ के इस बाउल में ट्रांसफर कर रही हूँ। देखिए, ठंडे पानी में डालने से ना ये अपना शेप नहीं छोड़ता, आप किस तरह से भी इसे स्मैश कीजिए, दबा के देखिए, देखिए। तो ये मैंने पूरा बाउल में ले लिया। अब ये जो हमने बनाई थी ये रबड़ी, तो हम पूरा इसमें ट्रांसफर कर देंगे। देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये हमारी रसमलाई तैयार हो गई। तो अब इसे हम लगभग 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे, फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि ये दूध से बनाई हुई है तो बाहर रखने से ही थोड़ा सा खराब होने का भी डर रहता है। घंटे बाद रखूंगी और तब आप इसका टेक्सचर देखिएगा। ये इसे मैंने फ्रिज में रखा था
अब इसे ये पूरे 5 घंटे हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि हर एक पीस ने इस रबड़ी को अच्छी तरह से सोक कर लिया है और रबड़ी का कलर भी पूरी तरह से इस रसमलाई में उतर चुका है। तो मैं अभी आपको एक पीस दिखाती हूँ, आप इसका टेक्सचर भी देखिए कितना प्यारा है और आप देख सकते हैं ये एक पीस कितनी फूगी हुई है, एकदम स्पॉन्जी है। तो देख रहे हैं आप, तो ये खाने में भी उतनी ही लजीज है और आप देख सकते हैं इसने कितने जूस को ऑब्जर्व कर लिया है। देखा फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये रेसिपी, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए और भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी लिख के भेजिए और प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।